3S मीडिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं खबर अब तक। तो आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। नौगाम श्रीनगर के वगूरा इलाके में हुए इनकाउंटर में सुरक्षा बलों को सफलता हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है। फिलहाल अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं सुरक्षा बलों ने फिलहाल सारे क्षेत्र को घेर रखा है और तलाशी अभियान जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस महिला मोर्चा की एक बैठक श्रीनगर में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता उमर अब्दुल्ला ने वर्चुअल मोड से की। इस बैठक के दौरान महिला मोर्चा ने अपनी कई मुद्दों को अवगत करवाया और उनसे कई तरह के विचार विमर्श भी किए। इस मौके पर कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इस पर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान कहा गया कि किस तरह के प्रोग्राम आगे चलाए जाएंगे ताकि पार्टी की नीतियों को घर घर पहुँचाया जा सके। इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट बेमिना श्रीनगर में अभिभावकों ने आज इंस्टीट्यूट के प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि इंस्टीट्यूट के प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जब तक एनुअल चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं दिए जाएंगे तब तक बच्चों को कोई भी असाइनमेंट्स नहीं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि जबकि सरकार और हाईकोर्ट का भी ये निर्देश है कि एनुअल चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं ली जा सकती, लेकिन इसके बावजूद भी इंस्टीट्यूट की तरफ से ये मांग की जा रही है जो कि नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से इस तरफ ध्यान देने की अपील की ताकि बच्चों के भविष्य पर कोई भी खतरा ना मंडरा सके। जब तक पूरा क्लियर नहीं होगा टिल मई तक, तब तक हम आपको कोई असाइनमेंट नहीं दे देंगे। डिस्पाइट द ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट, आल्सो द ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उसके बावजूद जम्मू अखनूर रोड पर बन रहे फ्लाईओवर और वहां चल रहे फोर लेन के काम के कारण वहां पर यातायात की काफ़ी समस्या है। इसी के चलते आज मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, एसएसपी ट्रैफिक, कमिश्नर नगर निगम सहित कई अन्य अधिकारियों ने शक्ति नगर का दौरा किया और वहां पर यातायात की स्थिति का जायज़ा लिया। इस मौके पर कहा गया कि यहाँ पर चल रहे काम के कारण कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए जल्द स्मार्ट सिटी के तहत प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसके कारण यहां पर चौक को बेहतर स्थिति में लाया जाएगा ताकि यातायात की स्थिति पर भी काबू पाया जा सके और वहां बेहतर स्थिति बनाई जा सके। इस मौके पर एसएसपी ट्रैफिक ने भी कहा कि लोगों को भी चाहिए कि यातायात नियमों का पालन करें ताकि उन्हें भी किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वो अपने छोटे बच्चों को गाड़ियां ना दें ताकि उन्हें भी कोई नुकसान ना पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने भी कहा कि अगर किसी ने भी नियमों का उल्लंघन या तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू में अभी 15 दिन पहले कोविड के चलते या बड़े सारे और एक्सक्यूजेस थे, लोग हेलमेट नहीं पहन रहे थे, और आज आप देखोगे 60-70% लोग हेलमेट पहनना शुरू हो गए हैं। इसी तरह से जो माइनर्स गाड़ी चलाते हैं, माइनर्स को तो ज्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन उनके पेरेंट्स को हैवी पेनल्टी पड़ेगी जब दो चार। जम्मू में कलाकारों ने एक बैठक की जिसमें उन्होंने अपनी समस्याओं को उजागर किया और उन पर विचार विमर्श किया। इसके बाद उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से उन्हें अपने काम की पेमेंट नहीं दी गई है, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलाकारों ने कहा कि हालांकि उन्होंने काम भी किया लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें पेमेंट नहीं दी गई, और इसे लेकर कई बार प्रदर्शन भी किए गए और प्रशासन से बात भी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी अकादमी की तरफ से उन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया, जिससे उन्हें कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। कलाकारों ने कहा कि अगर जल्द ही उन्हें एक दो दिन में उनकी पेमेंट नहीं दी गई तो उसे लेकर वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे और गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जम्मू के मुठ्ठी क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने एक युवक की मौत के विरोध में आज प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने रोड ब्लॉक करते हुए नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह 17 वर्षीय युवक एयरटेल में काम करता था और ऑन ड्यूटी इसकी मौत हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई भी अधिकारी इन परिवार से मिलने नहीं पहुँचा है और ना ही इन्हें किसी तरीके का कोई आश्वासन दिया गया है। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द इन्हें कोई कंपनसेशन दिया जाए और साथ में ही इस मामले की जाँच की जाए ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। उन्होंने कहा कि यह 17 वर्षीय युवक अखनूर का रहने वाला था और मुठ्ठी में रहकर इस कंपनी में काम करता था। उन्होंने कहा कि परिवार काफी गरीब है, इसीलिए इस परिवार की मदद की जानी चाहिए।
मिशन स्टेटहुड की तरफ से आज ट्रैफिक विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और ट्रैफिक कर्मियों पर लोगों को बेवजह ही हरास करने का आरोप लगाया गया। इस मौके पर सुनील डिंपल ने कहा कि पहले ही लोग लॉकडाउन के चलते और कोरोना के चलते परेशान हैं, ऐसे में ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी उन्हें बेवजह ही हरास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ पर लोगों को बेवजह ही परेशान किया गया और लोगों के साथ तू-तू मैच जैसी स्थिति भी बन गई। वहाँ पर उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को भी अपने ऊपर काबू पाना चाहिए ताकि इस तरह की स्थिति ना बन सके। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई और कहा कि ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर थोड़ा सा लगाम लगाए। सुनील डिंपल जी, आज आपने यहाँ पे प्रदर्शन क्यों किया? देखिए, जम्मू मंदिरों के शहर में जम्मू की ट्रैफिक पुलिस मासूम लोगों को परेशान कर रही है इस समय, जबकि हर महामारी में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ियां चल नहीं रही, मेटाडोरे बसेस चल नहीं रहे, लोग परेशान हैं, कारोबार ठप है, लोगों की जेबों में पैसे। जम्मू के वार्ड नंबर 51 में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया जिसमें लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयां वितरित की गई। इसका आयोजन बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सहयोग से किया गया था और इस कार्यक्रम का आयोजन सेवाई संगठन के तहत किया गया था। इस दौरान पार्षद राजकुमार तरखान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सेवाई संगठन के तहत कोरोना काल में लोगों की कई तरह की मदद की जा रही है और जब तक ये मुश्किल हालात रहेंगे लोगों की मदद आगे भी की जाएगी। राम मंदिर के ज़मीन पर खरीद फरोख्त पर उठ रहे सवाल के विरोध में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में प्रदर्शन किया। इस मौके पर फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि इस तरह से सवाल उठाए जाना सही नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज एक बार फिर राम मंदिर को बनाए जाने में अड़चन पैदा की जा रही है जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अशोक गुप्ता ने कहा कि पहले भी राम मंदिर बनाने में अड़चन पैदा की गई थी और अब जब मंदिर बनने जा रहा है तो ऐसे में एक बार फिर विपक्ष ने इस तरह के सवाल उठा अड़चन पैदा करने की कोशिश की है जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मौके पर उन्होंने इस मुद्दे को पर नाराजगी जताई और नारेबाजी करते कई तरह के आरोप भी लगाए। कुत्तों द्वारा काटे जाने और हमला किए जाने के मामले समय समय पर सामने आते रहते हैं, ऐसे में इसका इलाज कैसे किया जाता है और उस समय क्या उपाय करने चाहिए इसके बारे में हमने जब डॉक्टर राजीव गुप्ता HOD PSM डिपार्टमेंट जम्मू मेडिकल कॉलेज से बात की तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज है और यहाँ पर इसके कई मरीज आते हैं जो स्वस्थ होकर घर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में उन्हें वैक्सीन दी जाती है जिससे उनका इलाज किया जाता है। डॉक्टर राजीव गुप्ता ने बताया कि जब भी इस तरह का कोई मामला सामने आए तो मरीज को सबसे पहले अपने जख्म को धो लेना चाहिए ताकि वैक्सीन जो है वो ज़्यादा असर कर सके। इस मौके पर उन्होंने नगर निगम से भी कहा कि आवारा कुत्तों पर कंट्रोल करने के लिए एंटी बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम को सही से लागू करना चाहिए ताकि इन कुत्तों की तादाद में कमी आ सके और इससे हमलों में भी कमी आएगी। वहीं जब इस बारे में डिमॉन्स्ट्रेटर डॉक्टर तनसीफ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस तरह से इलाज किया जाता है और यहाँ पर इस तरह के इलाज की पूरी पूरी सुविधा उपलब्ध है। वहीं पर उन्होंने भी नगर निगम से अपील की कि जल्द से जल्द आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए एंटी बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम चलाया जाए ताकि इन तरह के मामलों में कमी आ सके। आज के लिए बस इतना ही, मुझे मेरी साइट को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए 3S मीडिया।